कुछ और जिंदगियां बदलते देखिए आज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। अजीब सी सिचुएशन है कि जिनके पास काम करने की क्षमता या पावर है वहाँ आइडियाज नहीं होते, और जहाँ आइडियाज होते हैं वहाँ क्षमता या पावर नहीं होती। कहते हैं दैट दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। लेकिन आज माहौल बदल रहा है, न्यू स्कीम्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है जो आइडिया से काम और काम से आइडिया का कनेक्शन जोड़ रही है। चाहे किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो या दूर दराज किसी रेगिस्तान में मौजूद एक गरीब इंसान, सभी के लिए काम करने का रास्ता खुल रहा है और ऐसे ही कई रास्ते खोल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, कई लोगों के लिए, कई संस्थानों के लिए। Presented by Bank of Baroda. Good evening and welcome back to yet another episode of Hum Hai Hunar Baaz. मुझे एक शेर याद है, कुछ लोग जिंदगी गुजारते हैं ऐसे, गिरे, गिरकर उठे और फिर चल दिए। अब ये बात हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं लागू होती है। बचपन में मैंने साइकिल चलानी ऐसे ही तो सीखी थी। जी हाँ, गिरा, गिर के उठा, फिर दोबारा कोशिश की और आखिरकार सीख गया साइकिल चलाना। लेकिन साइकिल सीखते वक्त अगर गिर कर लगने वाली चोटों पे मेरा ध्यान ज्यादा जाता तो मैं कभी साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाता। अब ये तो मैंने सिर्फ साइकिल चलानी सीखी। कुछ लोग जिंदगी जीना सीख जाते हैं, कुछ लोग मल्टी करोड़ व्यापार करना सीख जाते हैं। आइए देखते हैं। चलती का नाम जिंदगी, यानी कोई भी रुकावट आए, कैसी भी मोड़ आए, हम रुके ना, फिर कभी ना कभी तो मंजिल जरूर मिलेगी। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले हैं कोलकाता के शरद केडिया। फैमिली के गारमेंट्स बिजनेस को छोड़ कुछ नया करना चाहते थे शरद केडिया, तो वो जुड़े एक व्हीकल डीलरशिप कंपनी के साथ जो अशोक लीलैंड के ट्रक्स के सेल का काम करते थे, पर किसी कारणवश उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी। यही सिचुएशन फिर बनी जब वो एक और व्हीकल डीलरशिप कंपनी के साथ जुड़े, पर बार बार लड़खड़ाने के बाद भी शरद केडिया ने रास्ता नहीं बदला। जब चोट लगती है ना, तब आदमी ज्यादा मजबूत हो जाता है, और चोट लगने के पहले भी मैं हमेशा ये सोचता था कि यदि वो गाड़ी बेच सकते तो हम क्यों नहीं बेच सकते, वो ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी सोच और जज्बे ने जन्म दिया सन 2000 में श्री ऑटोमोटिव को, जो शरद केडिया की पहली डीलरशिप कंपनी थी। उनमें बिजनेस करने का हुनर तो था ही, साथ ही रिश्तों की अहमियत को भी वो जानते थे। उन्होंने पिछली कंपनी जरूर छोड़ी थी, लेकिन वहाँ बने अशोक लीलैंड के साथ रिलेशंस की वजह से ही उन्हें मिली अशोक लीलैंड जैसी बड़ी कंपनी की डीलरशिप। लेकिन मुश्किलों ने अभी तक उनका साथ नहीं छोड़ा था। सिचुएशन बहुत तकलीफदायक थी, मेरे ऐसी स्थिति भी आई है कि कस्टमर दरवाजा बंद कर दिए, लेकिन मैंने अपना वो लगन नहीं छोड़ी। मैंने ग्रास रूट से एक एक गाड़ी, दो दो गाड़ी बेचना शुरू किया, और एक एक टाइम में 200-200 गाड़ियां भी बेची मैंने एक साथ में। किसी भी काम में जितना महत्व हुनर का है, उतना ही लगन और मेहनत का भी, और शरद केडिया के केस में तो सबसे बड़ा महत्व था सेल्समैनशिप का। और यही वजह है कि शुरुआत में शरद केडिया का जहां किराए का एक आउटलेट था, आज श्री ऑटोमोटिव के पूरे वेस्ट बंगाल में 16 वर्कशॉप्स और डीलर आउटलेट्स हैं। यानी अपनी तरक्की तो उन्होंने की ही, साथ ही औरों को भी रोजगार से जोड़ दिया, और आज वो वेस्ट बंगाल में अशोक लीलैंड के सबसे बड़े डीलर बन चुके हैं।
They're a very important partner for us on the East. We have kind of mutually ensured that we grow together. You know, East was a very small market even as late as 7 years ago. Today, our market share in the East is, pretty high. And I must compliment Mr. Kedia and his team for doing the wonderful work that they have done. जिस सेल्समैनशिप के हुनर की वजह से शरद केडिया आज यहाँ तक पहुँचे हैं, वही हुनर उन्होंने अपने बेटों को भी सिखा दिया है। इसका नतीजा है कि आज उनका सालाना बिजनेस टर्नओवर 120 करोड़ तक पहुँच गया है। एक ट्रक की कीमत तकरीबन 20 लाख होती है, तो सोचिए अपने सेल्समैनशिप के हुनर से केडिया एंड फैमिली सालाना कितने ट्रक्स की सेल करते होंगे। ईस्टर्न जोन में या बंगाल में अशोक लेलैंड की सेल पहले के टाइम पे 50 गाड़ी साल की होती थी। आज के दिन हम लोग महीने की 300-350 गाड़ी बेचते हैं। ईस्टर्न जोन में ज्यादा बढ़ी है, बिकॉज हम लोग पहले 7% मार्केट शेयर पे थे, अब हम लोग 30% मार्केट शेयर पे हैं। इस फास्ट पेस्ड बिजनेस ग्रोथ की इंजन का फ्यूल है फाइनेंस, जिसके बिना अशोक लीलैंड जैसी बड़ी कंपनी से व्हीकल्स खरीद पाना पॉसिबल नहीं होता। और इस परचेज और पेमेंट के साइकिल में एक अहम कड़ी बनकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा और उनका सप्लाई चेन प्रोडक्ट। अशोक लेलैंड में वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एक है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग और डेरिवेटिव फाइनेंसिंग बोलते हैं। अगर पहले हम समझ लें एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका फाइनेंस करते हैं, लेकिन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टीयरिंग खरीदता है तो स्टीयरिंग कंपनी के पास जाकर उनके पास फाइनेंस करना, और स्टीयरिंग कंपनी फाइनली कोई रॉड छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर से लेगा, उनको भी फाइनेंस करना चाहिए। तो इस तरह हम वैल्यू चेन में निकलेंगे तो क्या होता है, सारा एंटायर इकोसिस्टम गेट्स फंडेड। We can finance most important the micro entrepreneur who is the last leg of the transaction. Bank of Baroda से श्री ऑटोमोटिव को 60 से 80 करोड़ की लिमिट मिली है, यानी एक टाइम पर कंपनी उतने वैल्यू की व्हीकल्स खरीद सकती है, जिसका पेमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा अशोक लेलैंड को कर देता है। और श्री ऑटोमोटिव 30 से 90 दिनों के बीच उन व्हीकल्स की सेल करके वही अमाउंट बैंक को लौटा देती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम है, तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है हमें। प्लस हमारा जो बिज़नेस है वो साइक्लिकल है, सो किसी महीने में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, किसी महीने में डिमांड बहुत कम होती है, सो अकॉर्डिंगली हम लोग को गाड़ी भी उठा के रखनी पड़ती है, और उसके लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो उसमें भी बैंक ऑफ बड़ौदा हमें सपोर्ट करता है, जैसे कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को लूज़ ना कर सकें। सो इफ यू लुक एट दिस होल कमर्शियल व्हीकल स्पेस, द होल इंडस्ट्री रन्स ऑन वन थिंग अदर देन व्हील्स, व्हिच इज़ फाइनेंसिंग। That becomes super critical for the success of this industry. So if you look at the company, if you look at dealership, if you look at the retail customer, all of them require financing. And I think Bank of Baroda is trying to create that bridge. And the latest platform that they have introduced is working immensely well. कभी न हार मानने वाले शरद केडिया ने अपने आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट को कुछ ऐसे इस्तेमाल किया कि उनकी जिंदगी की गाड़ी ने कभी यू टर्न नहीं ली। वहीं उनकी फाइनेंशियल चेन में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुड़कर पेमेंट फ्लो बड़ा आसान बना दिया है। इसी तरह सभी ने अपॉर्चुनिटी को देखा, परखा और अडेप्ट किया एक बेहतर फ्यूचर के लिए, और यही तो होता है अच्छा बिजनेस सेंस। Our processes are so good that client is wanting to have us on board because they face various challenges which are not saturated by other banks, and that's where we play our role very beautifully. जिंदगी ठीक से जीने के लिए सांसों का सप्लाई टाइम पे मिलना बेहद जरूरी है। ठीक वैसे ही एक बिजनेस को जिंदा रखने के लिए फाइनेंस का सप्लाई सही समय पर मिलना बेहद जरूरी है। अब छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, हर बिजनेस को एक नई जिंदगी दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोडक्ट के जरिए। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेट, वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तो महज मोटे ला रहा था। कितना आसान है ना हमारे लिए, रिमोट उठाया, आवाज धीमी तेज कर दी, सारी सुविधाएं अपने हाथों में, टीवी, कार, फ्रिज, एसी वगैरह वगैरह। लेकिन जरा सोचिए, इनमें से अगर कोई भी सुविधा एक आध दिन के लिए ही आपसे थोड़ी सी दूर हो जाए, क्या आप फंक्शन कर पाएंगे? क्या आप बिना एसी या फैन चलाए एक रात को भी सो सकते हैं सिर्फ खिड़की खोलकर? मैं तो नहीं। आपको मेरी बातें थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी,
नहीं, आइए जीते हैं एक अलग किस्म की जिंदगी लिटिल रन ऑफ कच्छ में। आइए देखें। ये है लिटिल रन ऑफ कच्छ, जहां बनाया या कहें पकाया जा रहा है नमक। वही नमक जो हमारी जिंदगी में सिर्फ स्वाद ही नहीं लाता बल्कि हमारी हेल्थ से भी जुड़ा है। और इसे बनाने वाले ये हैं अगरिया कम्युनिटी के लोग, जो यहाँ आसपास के गांव में रहते हैं और अक्टूबर से जून के महीने में अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि नमक बनाने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। जमीन के नीचे समुद्र का खारा पानी है, धूप तो अच्छी खासी है ही, लेकिन झुलसा देने वाली इस गर्मी में काम करना और यहाँ महीनों बिताना बिल्कुल आसान नहीं है। ऊपर से काम में आने वाली मुश्किलें अलग। पहला हमारे कोई पण सीनी सगवरता नथी। पहले जब हाथ से घुमाकर डीजल पंप चालू करते थे तो कहीं पेट दुख जाता था, कहीं पैर में चोट लग जाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। तो बहुत तकलीफ पड़ती थी। वाकई जमीन से पानी निकालने के लिए इन डीजल पंप्स को चलाना बिल्कुल आसान नहीं है। ऊपर से इनमें लगने वाले डीजल का खर्चा अलग। इन प्रॉब्लम्स के साथ काम कर पाना इन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में इन महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ने एक रास्ता निकाला। सॉल्ट पकाने का जो काम है ये परंपरागत ट्रेड है, तो ये बहनों के लहू में है। तो हम चाहते हैं कि ये परंपरागत ट्रेड है उसमें कोई नया टेक्नोलॉजी लाए, नया कुछ इनोवेशन लाए कि वो अच्छी तरह से और कर सके। काम चाहे जो भी हो, नई तकनीक किसी भी काम को आसान बना देती है। और इन महिलाओं से जुड़ने वाली तकनीक थी सोलर वाटर पंप, यानी वो पंप जो डीजल से नहीं बल्कि सौर ऊर्जा से चलते हैं, मतलब डीजल का खर्चा भी नहीं और पोल्यूशन फ्री भी। और इसे चालू करना तो बिल्कुल आसान। इस सोलर पैनल तकनीक को अगरिया कम्युनिटी तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है बैंक ऑफ बड़ौदा का। We are looking at women as a community, as a group, especially in rural market, with the whole intention of empowering them. Our financial literacy bhi ek cheez hai on which we are focusing on. And the intention is to provide them, give them different kinds of inputs that will help them to have a self-sustainable livelihood. Ladies Agriya logon ne seva sanstha ke madhyam se hamara Bank of Baroda ka approach kiye. Unka zaruri mutabik hamara Bank of Baroda ne ek special scheme banaya. Wo mudra ka antargat mein aata hai jo Bharat Sarkar ka mudra scheme. Agriya ben logon ne jo ron pakate hain unke liye banaya gaya aur hum 1,48,500 prati Agriya ben ko diye hain. अगर देखा जाए तो दूसरे लोन की अपेक्षा कम दरों पे मिले इस लोन के कई फायदे हैं। पहला, लोन चुकाने का टाइम 5 से 7 साल है। दूसरा, इस लोन की किश्त हर महीने के बजाय नमक की बिक्री के बाद ही चुकाना होता है। वहीं दूसरी तरफ पहले जहां दिन और रात डीजल पंप्स का इस्तेमाल होता था, सोलर पैनल के आने से डीजल पंप्स का इस्तेमाल अब सिर्फ रात को होता है, जिससे पहले जहां 1300 लीटर डीजल इस्तेमाल होता था अब सिर्फ महीने में 400 लीटर की ही खपत होती है। और इसी डीजल की बचत के पैसे से लोन भी चुक जाता है और दूसरे जरूरी काम भी हो जाते हैं। नतर हमने डीजल ना ये हमारे पैसा वधे है। अब जो डीजल से पैसे बचे हैं उससे मैंने अपना गिरवी खेत छुड़ाया, मेरे बेटे को मकान दिलाया, पानी जमा करने की टंकी भी लगाई, पानी संग्रह नो टांको बनाया। ये बदलाव एक प्रोग्रेसिव सोच का नतीजा है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिर्फ लोन नहीं दिया बल्कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को बढ़ावा भी दिया है। जरा सोचिए, मधुबेन की फैमिली के अलावा भी रन ऑफ कच्छ में नमक पकाने का ये काम लगभग 30,000 और परिवार भी करते हैं। फिर इतने डीजल से तो बहुत प्रदूषण होता होगा, यानी जितने लोगों को इस तकनीक का फायदा मिले उतना बेहतर। बैंक ऑफ बड़ौदा और सेवा संस्थान की इस प्रोग्रेसिव सोच को हम है हुनर बास का सल्यूट। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी जिंदगी में जो नमक है उसमें इतने हुनरमंद लोगों के मेहनत का पसीना है। और हम बड़े ऐशो आराम के साथ रहते हुए भी कहते हैं ये भी कोई जीना है। वाओ, आई एम अ पोएट एंड आई डिडंट इवन नो इट। हालांकि मैं ये बात बहुत ही लाइटर वेन में कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारी जिंदगी के लिए एक अहम सबक है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आइए इसी प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हम कोई भी काम क्यों ना करें, एनवायरनमेंट या माहौल बहुत मायने रखता है। जैसे मुझे अगर कुछ पढ़ना हो तो दिखना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारे आने वाले कहानी में केल्विन को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो अपना काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं, सहजता से, क्योंकि ना देख पाने के बावजूद केल्विन ने अपने आप को उस माहौल में बिल्कुल अच्छे से ढाल लिया है। नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत राज्य मेघालय। इन खूबसूरत वादियों में रहने वाले लोग नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी कमाई के जरिए ढूंढने में माहिर हैं। कोई अपने हुनर से रूट ब्रिज बनाता है, तो कोई जमीन के कई फीट नीचे से ये काली मिट्टी निकालकर ब्लैक पॉटरी, और कोई बैंबू से बनाता है बैंबू क्राफ्ट। ये हैं केल्विन। इनके तेजी से चलते हुए हाथ, बारीकी से होता हुआ ये काम देख के कौन कह सकता है कि केल्विन को दिखाई नहीं देता। मेरा नाम केल्विन है और मैं लकड़ी और बैंबू से तरह तरह की चीजें बनाता हूँ। मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बेशुमार कल्पना शक्ति दी है। मैं भले देख नहीं पाता हूँ, लेकिन इन चीजों को महसूस करने की कला है मुझ में। केल्विन को 10 साल की उम्र से दिखाई देना बंद हो गया था, फिर भी उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अपने हाथों के हुनर को और बेहतर करने के लिए शिलोंग के ज्योति श्रोत इंक्लूसिव स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्होंने एक आईटीआई में भी हैंडीक्राफ्ट्स मेकिंग की ट्रेनिंग ली। यानी उनके सीखने की चाह, आगे बढ़ने की चाह कभी कम नहीं हुई, और ऐसे ही हुनरमंद और जरूरतमंद लोगों का साथ दे रहा है स्किल इंडिया मिशन। मैंने ट्रेनिंग में बहुत कुछ बनाना सीखा, पर मैंने बैम्बू क्राफ्ट को चुना क्योंकि लकड़ी काफी आसानी से मिल जाती है और खरीदने पर ज्यादा महंगी भी नहीं मिलती। वैसे मैंने बैम्बू खरीदने के लिए 67,000 का लोन भी लिया था और उससे चीजें बना के सेल कर दी। मैं चीजों को छू के महसूस करके वैसा ही बना सकता हूँ और उसमें अपने आइडिया डाल के डिफरेंट लुक दे सकता हूँ। वाह, महसूस करके काम करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता, और 10 साल की उम्र तक जो देख सकता था उस याददाश्त के हिसाब से चीजों को सही आकार देना और डिजाइन करना बिल्कुल आसान नहीं है। यही बात केल्विन को खास बनाती है। वो जो चीजें बनाते हैं मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए पूरे देश में बिकने के लिए जाती हैं। क्या पता हमारे घर की कोई चीज केल्विन के हाथों की बनाई हो। मैंने कभी अपने ना देख पाने को कमजोरी नहीं समझा। ऊपर वाले ने सबको कुछ न कुछ खूबी दी है। वो कहावत है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अक्सर हम एक छोटी सी चोट से भी घबरा जाते हैं, और केल्विन को देखिए, इतनी मुश्किल में भी मुस्कुराते हैं। केल्विन की कहानी देख के बड़ी हिम्मत मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हुनर का रास्ता नहीं रोक सकती, बस सीखने और करने की चाह होनी चाहिए। केल्विन भले मेघालय के एक छोटे से गांव से आते हों, लेकिन उनका हुनर उन्हें पूरी दुनिया के सामने ले आया। ऐसे ही देश के कोने कोने में अपने बरोड़ा स्वरोजगार विकास संस्थान के जरिए बैंक ऑफ बरोड़ा हर हुनरमंद के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी। अगर रात में सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर पावर चली जाए तो हमारे लिए 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। भाई, मानना पड़ेगा केल्विन के डिटर्मिनेशन को, जिसने कभी भी उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि वो देख नहीं सकते। जवाब नहीं है केल्विन का। अरे, जवाब से याद आया आज के सवाल का। पिछले हफ्ते हमने आपसे ये पूछा था, बैंक ऑफ बड़ौदा के एंडोर्सर पीवी सिंधु भारत के किस शहर से हैं, और इसका सही जवाब है हैदराबाद। और उन तमाम जवाबों में से इस हफ्ते के लकी विनर का नाम है भावेश ठक्कर फ्रॉम गुजरात, जो चुने गए हैं कंप्यूटर के रैंडम सिलेक्शन से, जिनको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। आज का सवाल ये है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एंडोर्सर श्रीकांत किदम्बी कौन से खेल के महारथी हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर हॉकी? अपने जवाब हमें स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर जल्द से जल्द व्हाट्सएप कीजिए। सही जवाब देने वाले को मिलेगा
बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। वक्त आ गया है आज आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और इंस्पायरिंग कहानियों के साथ, ओनली ऑन हम हैं हुनर पास। किसी ने पहली बार शुरू किया एक बिजनेस, पर उस टाइम ये था बस कि लग रहा है 35 लाख में आग लगा दी। कैसे और कौन देगा एक डूबते बिजनेस को सफलता के पर, जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर देखिए हम हैं हुनर पास।